मातृ लाभ के लिए जितने भी सारी सुविधाएं शायद आंगनवाड़ियों से बेटर कोई नहीं दे सकता है। और हम लोगों से 4 घंटे का किया जाता है, 4 घंटे का काम बताया जाता है, 4 घंटे के बावजूद हमको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। 24 घंटे वो भी इसलिए कि अब ये ODF वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी भाग लेती हैं। रात को जब BLO का काम आता है तो रात को 4 बजे SDM फ़ोन करता है, मैडम बताइए आपके यहाँ वोट कितने हैं और वो महिलाओं के कितने हैं, कर्मचारियों कितना है और ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। 4 बजे हम फ़ोन उनका स्विच ऑफ अपना नहीं कर सकते, लेकिन हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो भारत सरकार के नुमाइंदे जितने भी वर्क काम करते हैं वो हमको हमारा काम हमारा फ़ोन नहीं उठाते, हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते और हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं में भी हमें सहयोग नहीं करते हैं कभी भी। इसलिए सरकार से हम ये कहते हैं कि यदि हमसे काम ही लेते हो तो हमारे 4 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे के बाद आप अपने सारे काम किसी से भी कराइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं 3000 में खुश रहती हूँ। लेकिन अगर 24 घंटे का काम लेते हैं तो हमें मानदेय न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम एक्ट के वेजेस के तहत जो भी मजदूरी हमारी आती है वो हमको चाहिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। सीमा जी आप ये बताइए, जब आप आंगनवाड़ी का 24 घंटे काम करती हैं तो परिवार में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं होते? नहीं होते, परिवार में तो इतने से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम टाइम से खाना नहीं खिला सकते, हमारे बच्चे कुपोषित हैं, हम स्वयं में कुपोषित हो जाते हैं, हम रात दिन सो नहीं पाते, हम बीमार हो जाते हैं, फिर भी हमारा अधिकारी हमको चोर बता देता, हमारे सरकार हमको चोर बनाती है। तो क्यों, अगर हम लोग चोरी हैं तो हमसे सारे काम क्यों कराती है सरकार, क्यों कराती है भाई? जब हम काम नहीं कर सकते हैं, कुछ करने लायक नहीं है तो हमको 3000 रुपये में 4 घंटे की ड्यूटी आप लेना चाहते हो वही दीजिए और हम खुशी खुशी 4 घंटे की ड्यूटी आपको 3000 में, और आपको जो 60000 रुपये 85000 रुपये मास्टर पा रहे हैं उनसे अच्छा हमारे बच्चे ना पढ़ के सुनाएं, ना करके दिखाएं, वो सारी चीज़ें गतिविधियाँ करते हैं जो शायद प्राइमरी का टीचर कभी नहीं सिखा सकता अपने बच्चों को। लेकिन सरकार तो मैडम ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप इतना दुख कर रही हैं, आंखों में आंसू ला रही हैं कि हमारे परिवार में भी झगड़े रहते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो तो कहाँ तक साक्षर हो रहा है? कहीं तक साक्षर नहीं है भैया, ये सिर्फ जो बिकाऊ लोग हैं ना जो खरीदे जा सकते हैं वही प्रचार करते हैं, शायद कि बेटी जितना दुखी है उतना संसार में कोई दुखी नहीं हो सकता है। इस सरकार ने जितना बेटियों को दुखी कर रखा है शायद कोई सरकार ने इतना बेटियों की अवहेलना नहीं की हुई है कहीं भी। कम से कम इससे पहले जो हमारी सरकारें थी वो कम से कम आंगनवाड़ियों की अगर कुछ देती नहीं थी तो कम से कम इस तरीके से काम तो नहीं लेती थी। जिनकी बेटी नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, जिनके कोई नहीं है, वो हम लोगों का दर्द क्या समझेंगे, जिन्हें पता ही नहीं है कि परिवार क्या होता है, वो अच्छे दिन क्या लाएंगे, वो अच्छे काम क्या करेंगे, वो हम लोगों को इसी तरीके से, क्योंकि उनके आंसू ही नहीं, पोछने वाला कोई नहीं, तो हम लोगों के आंसू वो क्यों भी रोएंगे और चले जाएंगे सरकार के कान में जू, सरकार के कोई जू नहीं रेंगती है, क्योंकि सरकार चाहती यही है कि हमारी धज्जियाँ उड़ाओ, और हम बहनों ने ये ठान के रखा है कि अब इस सरकार को धोखे ही छोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे।